मैं डॉक्टर महेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित भगत किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। वीडियो आपने देखा कि डेंडोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डेंडोफाइट्स जो पादप होते हैं उनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, पादप को कहा जाता है। इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू जो थे ये प्रथम संबंधी पादप है जिनमें वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होना शुरू हुआ। और साथ में इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है मतलब पुष्प नहीं पाए जाते, बीजाणु होते हैं, तो किसी समय में लैंगिक लेनियस के अनुसार किसी समय में लैंगिक जनन क्या नहीं होता। ये जो टेडोफाइट्स है इनको जो मुख्य पादप होता है वो स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट बीजाणु। स्पोरोफाइट का मतलब है ऐसे पादप जो स्पोर का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट स्पोर द्विगुणित पादप होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। पूर्व के आपने पादपों में आपने देखा होगा ब्रायोफाइट, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जो मुख्य पादप होता था मेन जो प्लांट था वो गैमेटोफाइट था, हैप्लॉयड होता था, जो कि एंड हैप्लॉयड एंड होता था। ये जो डेंडोफाइट्स पादप है ये ट्यूबन है और इसमें जड़ पाई जाएगी, तना और पत्तियों में ये विभेदित होता है। जड़ इनकी प्राथमिक जड़ की प्राथमिक समझ लीजिए किस किस स्थान पर स्थानीय जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तने की बात करें डेंडोफाइट्स में तो आपको पहले बताया तना इसमें इरेक्ट प्रकार का पाया जाता है और प्रोस्टेट दोनों प्रकार के तने इसके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ जो तने होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं उनको राइसोम कहा जाता है, राइसोम नाम दिया गया। अब बात करें लीव्स, तो पत्तियों के आधार पर डेंडोफाइट्स को दो में विभाजित किया गया है। लीव्स के आधार पर मैक्रोफिलस और माइक्रोफिलस डेंडोफाइट्स है। गुरुपर्णी मैक्रोफिलस गुरुपर्णी पादप, गुरुपर्णी और माइक्रो मतलब सूक्ष्म पत्तियां जिनमें पाई जाती हैं। मैक्रोफिलस जो पादप होते हैं उनमें पत्तियों का जो साइज होगा वो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, पत्तियों का आकार बड़ा होता है और तना इसमें छोटा होता है। ये इसकी विशेषता है मैक्रोफिलस गुरुपर्णी पादप। एग्जाम्पल बात करें तो टेरिडियम, टेरिडियम में पाया जाएगा, पेरिस में और मार्सिलिया, मार्सिलिया जो पादप है मार्सिलिया पेपर वर्ड उसको कहा जाता है। कोई मार्सिलिया इस प्रकार की वाटर प्रोडक्शन पाइप की बड़ी बड़ी और इसका तना जो होगा वो छोटा होता है। माइक्रोफिलस जो पादप होते हैं उनमें तना जो है वो बड़ा होता है, तने का जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो साइज में छोटी होती हैं। ऐसे पादप जिसमें पत्तियां साइज में छोटी होंगी, तना लंबा बड़ा होता है, उनको माइक्रोफिलस कहा जाता है। लघु पर्णी पादप, लघु पर्णी मतलब छोटी पत्तियों में पाई जाती है। एग्जांपल की बात करें तो लाइकोपोडियम में है, ये एपिसीटम में है और सिलेज में है। इस प्रकार की पत्तियां या पादप पाए। अब बात की जाए कि टेंडोफाइट्स में पत्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। मेनली टेंडोफाइट्स में तीन प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। लीव्स कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। कैटरपिलर्स, कैटाफिल्स जो लीव्स होती हैं उनको सामान्य भाषा में इसके लीव्स कहा जाता है। इसके लीव्स है फल की पत्तियां, फल की पत्तियां होती है ये भूरे रंग की सूखी हुई और एक प्रकाश विश्लेषण
अर्थात उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाए। तो यह प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण रंग की होती है और सूखी हुई पाई जाएंगी। तो इस प्रकार की जो पत्तियां हैं इनके स्केलेटन में कहा जाता है इनका मेनली जो कार्य है वो प्रोटेक्शन करने का। तो इनमें क्या है टेंडोफाइट्स में स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन करने के लिए इसके लीड्स पाए जाते हैं। जैसे अपन ने कभी आपने अरबी अरबी देखी होगी, अरबी में जब आप अरबी को चाहते हैं तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं ग्रीन कलर, और वो ग्रीन जो बर्ड्स है उसको साइड में उस पर स्केली ब्राउन कलर की लीव्स उसको कवर किए हुए रहते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, बर्ड्स का प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं वो स्केली लीव्स है। जस्ट इसी प्रकार की स्केली लीव्स भी टेंडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ट्रोपोफिल्स, ट्रोपोफिल्स को सामान्य वेजिटेटिव लीव्स कहा जाता है, अर्थात ऐसी पत्तियां जो कि साल भर प्रकाश संश्लेषण का काम सामान्य प्रकाश संश्लेषण का टाइप पत्ते को कहेंगे जो कि साल भर प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। इस पत्तियों को कहा जाएगा ट्रोपोफिल्स। खास बात यह है कि टेंडोफाइट्स में विशिष्ट प्रकार की पत्तियां और पाई जाती है और इन्हीं पर स्पोरेंजिया का निर्माण। ये जो पत्तियां हैं स्पोरोफिल्स इन्हीं पर स्पोरेंजिया लगते हैं, तो इसी कारण से पत्तियों को नाम दिया गया है स्पोरोफिल्स। बीजाणु बाण अर्थात ऐसी पत्तियां जिन पर बीजाणु लगते हैं। तो ये जो पत्तियां हैं विशिष्ट प्रकार की होती हैं और इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स भी कहा जाता है, क्योंकि जनन पत्तियां हैं स्पोरेंजिया बनती हैं तो इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव लीव जनन पत्तियां होती हैं तो इनकी निचली सतह पर स्पोरेंजिया का निर्माण निचली सतह पर इसलिए लगते हैं क्योंकि ये जो पादप है ये नम वाले स्थान पर पाए जाते हैं और ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ के इस कारण स्पोरेंजिया नष्ट हो सकते हैं। तो स्पोरेंजिया का निर्माण व्यक्ति की निचली सतह पर होता है और ये जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर लगे होते हैं स्पोर। स्पोरेंजिया हो बीजाणुधानी, बीजाणुधानी के अंदर स्पोर्स लगे हुए होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है इस समूह में पाई जाती है, इस समूह को कहा जाता है सोरस। इस समूह को क्या कहेंगे, सोरस। और सोरस के जो समूह है बहुत सारे सोरस आपस में पास पास होते हैं तो इनको कहा जाएगा सोराई। सोरस के समूह को सोराई कहा जाता है। स्पोरोफिल्स को पत्तियां हैं जो जनन के समय जिन पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और स्पोरोफिल पत्तियां शुरू में बहुत सी कुछ सब कुछ पादप ऐसे है जिनमें ट्रोपोफिल्स जो पत्तियां होती है ये सारे प्रकाश संश्लेषण में काम करती है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन का समय आता है कि नहीं बात टेंडोफाइट्स में तो ये जो पत्तियां हैं ये कन्वर्ट हो जाती है स्पोरोफिल्स बीजाणु पड़ने अर्थात ये बीजाणु का निर्माण करना शुरू कर देती है। ये हो गया कुछ पादपों में ये जो स्पोरोफिल्स है ये पास पास इकट्ठा हो जाती है, इस प्रकार से पास पास एकत्रित हो जाएंगे और इस प्रकार से कौन या स्पोरोफिल्स का ये निर्माण शंकु का निर्माण। तो कौन किस प्रकार से होता है, स्पोरोफिल पत्तियां पास पास इकट्ठा हो जाती है कौन का एक रूप है कौन या स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो ये पत्तियां होगी पत्तियां तीन प्रकार की होगी कैटाफेस प्रोटोफेस स्पोरोफेस तीन प्रकार की पत्तियां। अब बात की जाए कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू है टेंडोफाइट्स में वो किस टाइप के पाए जाते हैं। तो टेंडोफाइट्स के वैस्कुलर टिश्यू की बात करें टाइप्स ऑफ संबंध वैस्कुलर टिश्यू मैंने आपको बताया वैस्कुलर टिश्यू मतलब संगम जैलम अर्थात वैस्कुलर का मतलब जिसमें जैलम फ्लूइड से बना हुआ होता है संगम मतलब। तो जैलम में आपको बताया कि टेंडोफाइट्स के जैलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और फ्लूइड में कंपेनियन सेल्स का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो किन्हीं पादपों में जैसे कि टेरिडियम है मार्सीलिया है इनमें सूडो वेसल्स पाए जाते हैं और ये जो सूडो वेसल्स है इनका विकास जो हुआ है वो ट्रैकेट्स से होता है, ट्रैकेट्स से हुआ माना जाता है फ्लू वेसल्स पाएंगे और इनमें जो ट्रू वेसल्स है वो नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के पादप जिनमें ट्रैक
जैकेट्स पाई जाती है उनको रखा जाता है ट्रैकिफाइटा के अंदर। तो ट्रैकिफाइटा में आपको टेरोफाइट्स को रखा जाएगा, जिम्नोस्पर्म को रखा जाएगा और एंजियोस्पर्म को रखा जाएगा। तीनों पादपों को ट्रैकिफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। अब वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो आप जानते हैं वैस्कुलर टिश्यू जो अन्य पादपों में होते हैं वो कौन जाए, एंजियोस्पर्म की बात करें या जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो उनमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेक्टर एंडर प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एंजियो और जिम्नोस्पर्म इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, टेनियम पाए जाते हैं जिसके कारण से जमीन को यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स का टाइप है वो है कॉन्सेंट्रिक सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब ये है कि आपने कभी देखा हो कि तीरंदाज जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं कंधे से, एक के ऊपर दूसरी रिंग एक को लेकर दूसरी रिंग पाई जाती है, इस प्रकार को पाए जाता है सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक्स। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होगा तो इनका मतलब ये है कि एक को जिस प्रकार से यहाँ को जाइलम अंदर होगा और फ्लोएम बाहर, या हो सकता है कि फ्लोएम अंदर हो, फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर, दोनों प्रकार के जो है इनको कॉन्सेंट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन जो टेरोफाइट्स में प्रकार का जो है एम्फी एमपी क्राइवर प्रकार के वैस्कुलस बंडल्स के अंदर पाए जाते हैं। एमपी क्राइवर का मतलब ये है कि एमपी वैसल एमपी क्राइवर दो प्रकार के होते हैं, एमपी वैसल, वैसल किसमें पाई जाती है जाइलम के अंदर। तो एमपी वैसल एमपी को आप इस प्रकार से माने आउट आउटर बाहर की तरफ, यदि वैसल से वैसल किसमें पाई जाती है जाइलम, तो बाहर की तरफ यदि वेस जाइलम है वेसल्स है उसको कहा जाएगा एम्प्टी वेसल टाइप के वेस्को। और यदि एम्प्टी क्राइवल का मतलब हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक का मतलब है हेड्रो मतलब होता है जाइलम और सेंट्रिक मतलब सेंटर केंद्र के अंदर, तो यदि जाइलम केंद्र के अंदर है और फ्लोएम बाहर की तरफ है तो इसको कहा जाता है एम्प्टी क्राइवल। तो इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल है कॉन्सेंट्रिक प्रकार के और एम्प्टी क्राइवल, साथ में मीसा मध्य आदिदा पूर्व में आपको वीडियो देखो आपने देखा कि एंडार का मतलब है उनका विभेदन जो दिया गया है पूरा वो प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर कहा जाता है। एंडार का मतलब है यदि प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर हो तो इस स्थिति को कहा जाता है एंडार। और यदि प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की ओर हो, प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की ओर हो और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो तो इसको कहा जाएगा एक्सार की स्थिति। मीजार का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो मध्य स्थिति में होगा जबकि दोनों साइड पर मेटाजाइलम का विकास होता है। मीजार को है साथ में क्लोज, क्लोज उनमें आपको पहले आपको बता चुके हैं कि क्लोज और ओपन, ओपन का मतलब है खुला हुआ है, ओपन मतलब खुला, खुला मतलब क्या है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती है तो ओपन मतलब उसके अंदर कैम्बियम पाए जाते हैं, ओपन का मतलब उसके अंदर कैम्बियम पाई जाती है वो द्वितीय पत्ती के लिए खुला हुआ है, क्लोज का मतलब ये है कि वहाँ कैम्बियम नहीं, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट होने के से वहाँ पर द्वितीय पत्ती नहीं होती है, द्वितीय पत्ती नहीं होती ना तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा ना सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा प्राथमिक जाइलम। लेकिन अब्बास स्वरूप आइसोटीर जो टेरोफाइट्स है उसके अंतर्गत द्वितीय पत्ती पाए जाते हैं, अब्बास स्वरूप है वो आइसोटीर देख पाते हैं उसके अंदर। तो अभी आपने देखा किस प्रकार का टिश्यू है, किस प्रकार के पाए जाए टेरोफाइट, कॉन्सेंट्रिक एम्प्टी क्राइवल, मीसा और क्लोज प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स जो है वो टेरोफाइट्स पादप में पाए जाते हैं जिसमें जाइलम जो होगा वो केंद्र में होगा और फ्लोएम उसके बाहर होगा।
बाद पेरिसाइकल्स, ये पेरिसाइकल आ गया, उसके बाद एंडोडर्म। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स स्टील है वो टेलोमेयर्स में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल ऑफ टेलोमेयर्स, लाइफ साइकिल किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल के लिए काम करता है, कौन कौन